अगर बजाओ अभी चौकी उठाओ लट मार आया कोई बात तेरी संचारी मेरे कान में कर दूँ तेरी तू वैसा कैसा लमानिए कहीं वैसे दे दूँगा ना है ये रगड़ घुमाए बुबू पाँच गाड़ी है सर जी हम लोगों के संग कोई बात पाँच गाड़ी है हमें नहीं पता भैया सबके साथ चलान करो पक्का एक लो साहब करिए सर करिए चलान करिए साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं नहीं साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें दो तीन गाड़ी है ठीक है बाकी आपको जो करना है करो एक ये है एक हमारी है दो और है नंबर लिख कर लिया और सामान लेकर अरे नंबर लिख कर लिया सामान लेकर नंबर लिख कर लेके आ मेरे पास सामान लेकर आऊँगा सामान हाँ अगर नंबर लिख कर दे मुझे सामान लेकर आऊँगा सामान क्या बताओ क्या खरच पत्थर चाहिए ये कह रहे ना पांच गाड़ी मेरी ये नंबर पाँच हो गए तो सर इसके कागज पत्थर पूरे हैं हाँ तो कोई बात नहीं तो चलान बना कर देंगे कागज जो है पूरे छोड़ देंगे हाँ तो कागज पूरे हैं देख लो हाँ तो मैं चलान कर दूंगा तो सर नो एंट्री की सबकी करोगे कर देंगे पक्का करोगे करो सर मेरी मर्जी है ना करूँ बोल तो सर एक एक को छाट के करोगे चला पक्का करूँगा मैं मेरा कोई भाई बंद नहीं है अरे भाई बंद नहीं है तो आप एक से मुछड़ के लगवाओगे तू हाँ मुछड़ के लगवाओगे क्या मेरे से एक से मुछड़ के लगवाओगे क्या सर अगर इसको नहीं हटा रहा आपके कहने पे या मैं चलान करूँगा इसका बता मतलब चलान हो पाँच गाड़ी का नंबर दे मेरे कौन से नंबर है क्यों मेरे को पाँच गाड़ी बता रहा तू किस लिए बता रहा मैं सर ये हमारे संस्था की गाड़ी है फिर क्या होगा तो तेरी संस्था मेरे को क्या कर रही है तो करनी कुछ नहीं अगर ये गलत कर रहा है मेरी संस्था इनाम दे रही है तेरी संस्था मुझे कुछ इनाम दे रही क्या इनाम की बात नहीं है अगर ये गलत कर रहा है तो आप चलान कर सकते कर रहे हैं चलान लेकिन ये गलत सर सारे लगा रखे हाँ तो चलान कर रहे हैं सबके मोबाइल नंबर बोल भाई चलो ठीक है करो तेरी संस्था गाड़ी है मेरे को क्या आसान कर रही कोई दिक्कत नहीं सर नहीं तेरी संस्था मेरे को क्या आसान करी चलो बता कोई बात नहीं कोई बात नहीं सर कोई आज बता रहा संस्था के कोई दिक्कत नहीं है आप चलान करो अपना काम कर लूंगा नहीं नहीं काम आप चलान करो आज बता रहा 12 तारीख को मेरी संस्था गाड़ी है सबसे पहले ना बताइए तो ना पहले को ना बताइए अरे नैना प्रधान बैठे आज प्रधान कोई नहीं है प्रधान जो बन रहा है ना जिसके पास कुछ भी नहीं है ना वही प्रधान बनता है और जिसके पास सब कुछ है ना वो प्रधान नहीं बनता हमने सबको मना कर दिया बात खत्म हमने नहीं तुम्हारा कुछ भी खाली गाड़ी है सर खाली गाड़ी है कागज पूरा है फिर भी आप पकड़ के चलान कर रहे हो साइड में खड़ा है गाड़ी ठीक है और इतनी गाड़ी खड़ी है उसकी नहीं चलान हो रही है सर मेरे पास सारा रिकॉर्ड है ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप करो आराम से चलान करो बेशक करो सर चलाना आराम से बुला लो और भी गाड़ी बुला लो सर को दो चलान करने के लिए सारे गाड़ी बुला लो इनको चलान करो अन्य कहीं एक मिनट में काट दूँ क्या अन्य कहीं एक मिनट में काट दूँ अन्य का कोई नहीं बन रहा है बता रहा अगर गाड़ी को अगर बजाओ अभी चौकी उठाओ लट मारता हूँ कोई बात तेरी संख्या तेरी गाड़ी में काट दूँ तू वैसा कैसा ना मानिए कहीं वैसे देखो मानना है ये रगड़ घुमाई बुकू हाँ अगर दिमाग का फतूर होगा तो बिल्कुल लगा दूंगा अपनी सारी दुनिया सर जी इसमें क्या दिमाग का फतूर होते हैं अकबर को बताया जाता है किसी की सर जी देखो क्या आराम से चलो रगड़ दूंगा ये कोई बात नहीं है लोगों के साथ रहना है पिछक पिछक आप लोगों के साथ रहना है नहीं कर दो तेरी क्या चीज है ये बुजुर्ग क्या अपने आप को ये अपनी संस्था दे रही किस चीज की संस्था दे रही बल साहब साहब हो गया नहीं तेरे को मैं राजी बोल दिया एक मिनट अब 12 तारीख होगी कहीं की संस्था है आज तेरे को आज तक कहा कुछ आज अपने तूने आप तो गिरफ्तार रखा आएंगे आएंगे करेंगे हर आदमी आएंगे आएंगे करेंगे हमारे गोटे टूट ले साहब ठंडा हो जाओ आदमी कितना खड़ा रहेगा मैं कोई मानने को सारी है कि जाम में गया सबकी इन्होंने अपनी रखी हमें यहाँ खड़ा होना पड़ रहा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जाम भी लग जाएगा कुछ ऐसा ही करो पूरा घेर मुझे क्या बताया बंगाली
चलो साहब कोई बात नहीं, ठंडा हो जाओ, कोई बात नहीं साहब। आप मैं प्रधान ही बिठे बोलो, प्रधान अपनी पने में रहना, प्रधान को नहीं है सर, प्रधान यहाँ घने मार दूंगा अच्छी देख ले, ये ध्यान रखना बस, कुछ नहीं होगा, नहीं रोटी वापस चली जाएगी, इसके बाद तो कुछ नहीं होने का, दो दिन बाद फिर भी जाएगी, मुँह पर कर दो आई साहब जब ठंडा हो जाओ। दिल्ली का प्रधान से पूछना, इतने मारे थे घर का वहाँ से, सर प्रधान से हमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हें मैं किसी का लेना देना नहीं, मैं सर किसी तो नहीं ले रखी, मैं कहते फिर कि हम कर लेंगे, नुकर लेंगे, जो हम लोग के साथ सर मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ आपसे, आप आज कैसे बताए तूने, मैंने बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ सर, मैंने आपसे क्यों कहा के संस्था है मेरी गाड़ी सर, अगर हम गलत हैं चालान काटने के लिए मैं सर नो एंट्री तो है ही, तो फिर दिल्ली में कोई भी ऐसी रोड नहीं है कि जहाँ नो एंट्री है, हर जगह नहीं है, चल रहे हैं ना सर, नहीं हर जगह नहीं है सर, नहीं है हर जगह ही है, हर जगह गलियों में नहीं है, जो घर से बाहर निकलो, घर से बाहर यहाँ से निकलते हैं बाहर नो एंट्री है, अरे रोड पे हर जगह नहीं है, ये ना पूरा हमने थोड़ा नियम बनाया है, सरकार को बोलो दोस्त तुम्हारी रोजी रोटी बनाई है, उन्होंने तुम्हारी हिस्सा खरीदी है, उनको कहो बहन हम कहाँ चलेंगे, हमें को कह रहे चलान छोड़ के, चलो साहब ठंडा हो जाओ, मैं प्रधानी से बहुत चिड़ता हूँ उस नेता के लिए, आपको हमने कहा कि मैं प्रधान हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा, मैंने कह रहा प्रधान है कि नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ से बेहद चिड़ता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं भी चिड़ता हूँ, जो कहता है नहीं मैं प्रधान हूँ उससे मैं भी चिड़ता हूँ, प्रधान प्रधान उसी को कहते हैं एक दूसरे को भलाई करे और तरीके से चले और समझाते हुए चले रिक्शा, प्रधान वो नहीं होता है कि दूसरों को परेशान करे और खुद प्रधानी करे, आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं बोलते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है, ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है, मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं, और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ट्रांसपोर्ट मोल ऐप डाउनलोड करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी और निश्चित उपहार भी मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।